मस्जिद में बैठे हुए हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है। एक सहाबी आते हैं, काब बिन अजरा, या रसूल अल्लाह, माली अराका मुतगैर, आज आपको क्या हुआ है, आपका रंग बड़ा पीला है। आपने पेट पर उंगली रखी, काब मा दखल जौफी मा यदखल जौफ ज़ालिक बिदन मुंद सलास, काब आज 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरे पेट में एक लुकमा दाखिल नहीं। अब बाग में तशरीफ ले गए, अब्दुल्ला बिन उमर साथ हैं, खजूरें गिरी पड़ी, खराब खजूरें उठा के साफ करके, मिट्टी झाड़ के साफ करके खाने लगे। और अब्दुल्ला बिन उमर से कहने लगे, तू नहीं खाता? आज मुझे भूख नहीं। आपने कहा, मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए जन्नत के दस्तरखान जमीन पे आ सकते हैं, फरिश्ते हाथ धुलाने के लिए खड़े हो सकते हैं, सोने चांदी के महल खड़े किए जा सकते हैं, जिसको अपने जिगर का टुकड़ा कहा फातिमा, जिसको जन्नत की औरतों की सरदार कहा, जिनका आसमान पे फैसला किया फिर जमीन पे जाहिर हुआ, आपने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया, लोगों जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं अपनी बेटी फातिमा को अली के हाथ में दे दूं। उनके घर तशरीफ ले गए, वो बीमार थी। अब बेटी, मैं अंदर आ जाऊं? मेरे साथ है एक अरब सरदार बे इमरान। अर्ज के, या रसूल, मेरे घर में तो कोई बड़ी चादर नहीं जिससे मैं कोई पर्दा कर लूं। असीता चादर मेंबर तो भी बिछाई हुई, तो आपने अपनी चादर अंदर की, कहा बेटा ये ले लो मेरी चादर। बाप की चादर से अपने जिस्म को लपेटा, आप अंदर आए, पूछा बेटी सोना बीमार हो क्या? तो बाप को देख के रोने लगी, कह या रसूल अल्लाह, भूख तो पहले ही थी, अब बीमारी भी आ गई है, दो इम्तिहान आ गए। ताइफ के पत्थर खा के मुस्कुराने वाला, ओहद पहाड़ में दान तुड़वा के साबित कदम खड़ा होने वाला, बेटी के आंसुओं ने मोम कर दी, और आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू आए, और आपने ऐसे गले लगाया और आप भी रोने लगे। अका बेटी, वल्लदी बाथा अबा के बिलहक, उस जात की कसम जिससे कब्जे में तेरे बाप की जान है, और उस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बरहक बना के भेजा है, आज तीसरा दिन है तेरे बाप ने कुछ नहीं खाया। फिर फरमाया, मेरे रब ने मुझे कहा है, मेरे महबूब ये ओहद पहाड़ सोना चांदी बना दो, आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने सुम्मत के लिए अपना सब कुछ लुटाया है, अपने घर को लुटा दिया, कुर्बान कर दिया, आखिरी थे, आपके बाद कोई आने वाला नहीं था, हर शाय मुकम्मल करके दी, ला नबी बादी वला उम्मत बादकुम, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। فليبلغ الشاهد الغائب, मेरा ये दीन आगे पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे है। भाइयों, आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश है, अपनी मंजिल अल्लाह को बनाओ, और रहबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ, जो आपको अल्लाह से मिला देंगे, अल्लाह से जोड़ देंगे। हमारी लॉटरी निकली कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती मिले, आखिरी नबी, कायनात के नबी, इंसानों के नबी, जिन्नात के नबी।